झोपड़ी बना के। हाँ। तुम्हारे पास इस जंगल में झोपड़ी है। हाँ हाँ। दुखिया रन, मेरे पास मेरा शस्त्र भी नहीं है, ना जाने मैं परेशान भी हो चुका हूँ। इस समय अपना घर चलने की सामर्थ्य नहीं है, कुछ पल तो अपने झोपड़ी में मुझे विश्राम करने की जगह दे दे, उसके बाद मैं अपना घर चला जाऊँ। नहीं, हे भगवान, देखिए परदेशी जी, इस जंगल के बाद बगल में एक नगर बस्ती है, और नगर बस्ती के लोग इस जंगल की जाएंगे तो क्या कहेंगे? दुखिया रन, हाँ, ज्यादा विलंब तुम्हारे झोपड़ी तर मैं नहीं करूंगा, कुछ पल आराम कर लूंगा, उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। ठीक है परदेशी जी, आप ऐसे जिद्दी करते हैं तो ठीक है, चलिए 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 भाई, बहुत विलंब हो रहा है, चलिए आइए। या जो दीने कुछ पल के बाद मुझे मिल गया, अब मैं अपना घर जा रहा हूँ। लेकिन देख रहे हैं, दुखियारी अभी तक अपने झोपड़ी में सो रही है। अगर इसे हम नहीं बताते हैं, बिगर बताए यहाँ से अपना घर चले जाएं, ये नींद से जागेगी तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगेगा। जाने से पहले एक बार इसे बता देते हैं, उसके बाद हम अपना घर जाएंगे। अरे दुखियारन, अरे दुखियारन, जगो, देखो सुबह हो गया, मैं अपना घर जा रहा हूँ। हाँ दुखिया रन, हेलो, क्या परदेशी जी आप घर जा रहे हैं? हाँ मैं घर जा रहा हूँ। सोचे कि जाने से पहले जिस व्यक्ति ने मुझे मरने से बचाया, कम से कम एक बार उनसे इजाजत ले लूं, उसके बाद अपना घर जाए, तो क्या मुझे यहाँ से जाने की इजाजत दे रही हूँ? ठीक है परदेशी जी, आप जाइए, लेकिन आप जाते भक्ति कोई निशानी दे दीजिए। कोई निशानी? हाँ। अरे मैं क्या दूं तुम्हें, महल में मुझे धन दौलत की कमी नहीं, यहाँ तो आया था जंगल शिकार खेलने के लिए। काश मेरे पास मेरा दौलत रहता तो तुम्हारे ऊपर कुछ ना कुछ मैं जरूर लूटाता। तुम कुछ भी लेने के लिए चाहती हो तो मेरे हाथ में कुछ सोने की मुद्रिका है, अगर ये सोने की मुद्रिका तुम्हें चाहिए तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। दे दीजिए परदेशी जी। चलो भाई, जिस व्यक्ति ने मुझे मरने से बचाया उसे एक मुद्रिका दे दूं तो कौन सी बड़ी बात है। आइए हंसी खुशी अलिया बाबा, we
इस जंगल में एक ऐसा दर्द ही, मैं जिस दिन मैं अपने महल में थी, मैं अपने स्वामी के पास थी, उस दिन ऐसा दर्द नहीं हो रहे थे प्रभु।